हाय, आज हम बनाएंगे मटन दम बिरयानी। इसके लिए आप बासमती चावल को हाफ एन आवर या 20 मिनट्स के लिए सोक कीजिए, और एक बड़े से वेजल में, मैंने चावल को सोक किया हुआ पानी ही लिया हुआ है, इसमें हम थोड़े से शाह जीरा डालेंगे और 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। पानी को उबाल आने दीजिए, तब हम अपना सोक किया हुआ बासमती राइस डालेंगे। हाई फ्लेम में इसको पकाना है। जब ये उबाल आ जाएगा तो हम डाउन करके चावल डालेंगे। यह हैदराबाद में बहुत ही फेमस रेसिपी है, हैदराबादी दम मटन बिरयानी। हमें कैप डालकर इसको पानी को उबालना है ताकि पानी जो है जल्दी उबाल आ जाए। ये देखिए पानी उबाल आ रहा है, मैंने डाउन कर लिया है। अब इसमें हम अपना सोक किया हुआ चावल डालेंगे, बासमती राइस, या फिर आप हाफ बासमती और हाफ नॉर्मल घर में यूज़ करने वाला चावल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा बनता है। मैंने यहाँ पर हाफ के जी चावल लिया हुआ है। धीरे से डालिए ताकि पानी आपके हाथ पर ना जाए। फिर से फ्लेम हाई करेंगे और चावल को तब तक पकाएंगे जब तक ये प्रेस करने से टूट ना जाए। ये देखिए, अगर हम चावल को ऐसे दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब ये 80% तक पक चुका। अब इसको हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेन कर लिया है। अगर आप स्ट्रेन करते वक्त थोड़ा सा टैप ऑन करेंगे तो चावल खुला खुला रहेगा, हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे खुला खुला रहेगा, मतलब जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा पानी डालने से, ठंडा पानी। तब तक हम अवन में बहुत सारा प्याज, थोड़ा सा ऑयल डालकर 5 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पर बेक कर लेंगे। ये तब भी ये ऑनियंस क्रिस्पी हो जाएंगे। आप ऑयल में भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा चूस लेता है ऑनियन, इसीलिए मैं अवन यूज़ करती हूँ इसके लिए। देखिए हाफ टेबल स्पून ऑयल, ये देखिए बन गया हमारा ऑनियन। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस बिरयानी की ओर चलेंगे। अब बड़े से वेसल में, जिसमें आप बिरयानी बनाना चाहते हो, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून घी या फिर डालडा डालकर गरम कीजिए। अब एक लेयर हमारा जो मटन करी है इसको डालेंगे। अब दूसरा लेयर चावल जिसको हमने स्ट्रेन कर कर रखा है उसे डालेंगे। अब थोड़ा सा गरम मसाला और कलर जिसको मैंने दूध में मिला कर रखा है, आप चाहे तो थोड़ा सा सैफ्रन भी डालिए बिना कलर के। अब फिर से हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डालेंगे नेक्स्ट लेयर में। अभी तक एक पोर्शन ख़त्म हुआ, अब फिर से यही हम रिपीट करेंगे। थोड़ा सा मटन बिरयानी, सॉरी मटन करी, चावल, गरम मसाला, सैफ्रन या फिर कलर और थोड़े से कोरिएंडर। देखिए दूसरी बार डालने के बाद मैंने यहाँ पर हमारा जो ऑनियन को हमने तल लिया था उसको डाला है। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, करी राइस। देखिए ख़त्म हो गए सारे लेयर्स। आपको पसंद है तो थोड़े से मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं, मतलब मेथी, धनिया सारे मिलाकर, कोरिएंडर लीव्स, जो मेथी मैंने कहा अभी। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ही थोड़ा, ताकि नीचे से दाग लगे ना। आप जिस जो चावल बनाते वक्त आपने पानी स्ट्रेन किया था उसको डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही थोड़ा सा मैं यहाँ पर मटन करी का जो ग्रेवी है इसमें पानी डालकर, वो पानी ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने बस हाफ कप भी से भी कम डाला है। अभी इसको हम कवर कर लेंगे, और कुछ लोग इसको आटा वगैरह लगाते हैं ताकि स्टीम बाहर जाए ना, उसकी ज़रूरत नहीं। हम कुछ हैवी वेजल रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना जाए। इसको हम बिना हिलाए ऐसे ही 15 मिनट तक रखेंगे। देखिए 15 मिनट से ये सिम पे ही बन रहा है। जब हम दम का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मतलब लेयर्स वाला, तो हमें सारा प्रोसेस सिम पे ही बनाना चाहिए, वेरी स्लो फ्लेम पे।
अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। पूरा जो करी हमने डाला है ये सारा का सारा मिल जाना चाहिए चावल के साथ। अभी हम स्टोव को बंद कर लेंगे और इसको ढककर ऐसे ही 15 मिनट्स के बाद गरम गरम सर्व करेंगे। वेरी स्पाइसी मटन करी, इसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 kg मटन यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए 1/2 kg का कुकर मैंने यूज़ किया हुआ है। आप 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल हीट कीजिए, इसमें बे लीफ और 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, थोड़े से शाही ज़ीरा, चकला फ्लावर, सारे बिरयानी के फ्लेवर्स डालिए। इसको अच्छे से 1 मिनट तक भून लीजिए। इसके बाद हम इसमें 2 लार्ज ऑनियंस डालेंगे स्लाइस करके। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ऑनियन जल्दी पक जाए नमक से। 1 मिनट के बाद इसमें हम 1 लार्ज टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिलाइए। अब इसमें 4 स्प्लिट ग्रीन चिलीज डालेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है। ये चावल के साथ अच्छा रहता है और नान के साथ रोटी परोठा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें हम 2 बड़े टमाटर का प्यूरी डालेंगे। आप टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रोटी में खाने लायक ग्रेवी बना रहे हैं, इसीलिए मैंने प्यूरी यूज़ किया हुआ है। फ्रेशली आप प्यूरी को ग्राइंड कर लीजिए और इसमें यूज़ कीजिए। 1 मिनट पकने के बाद हम नमक थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले डाल चुके हैं, नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे। जब ऑयल फ्लोट होने लगे तब इसमें हम 1 टेबलस्पून मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। अगर आपके पास मीट मसाला पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं गरम मसाले के बिना। जब ऐसे ऑयल पूरे से फ्लोट होने लगे और जो करी है वो नज़दीक आ गया तो हम इसमें हमारा बनाया हुआ कोकोनट पेस्ट डालेंगे। आप इस कोकोनट पेस्ट के लिए हमारा लिंक देख सकते हैं। मैंने इसको फ्रिज में रखा था इसीलिए थोड़ा घट हो गया, कोई बात नहीं। 2 मिनट के बाद अच्छे से धोया हुआ मटन इसमें डालेंगे। 1/2 kg मटन मैं यूँ ले रही हूँ यहाँ पर। इसको अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा वाटर निकलेगा मटन से। मैंने 5 विजिल्स रखा था, देखेंगे अभी ये गला या नहीं। एक पीस को हम दबाएंगे, देखिए आसानी से इकट्ठा हो गया, इसके मतलब ये पक चुका। अभी जो एक्सेस वाटर है हम इसको राइस कंसिस्टेंसी आने तक इसको हम पका लेंगे। मैं यहाँ पर 2 चीज़ स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो वो भी चलेगा, नहीं तो आप घी भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं। चीज़ बटर डालने से थोड़ा ग्रेवी रिच लगेगा। आपके पास अब अगर क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से थोड़ा सा स्पाइसीनेस कम हो जाएगा। तब आपको थोड़ा सा और मिर्ची डालकर स्पाइसीनेस बढ़ा लेना चाहिए। अब इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर हाई फ्लेम पर पकने देंगे। आप इस टाइम पे नमक मिर्च वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ये करी रेड चाहिए, रेड दिखना पसंद है, तो थोड़ा सा रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। थोड़े से पानी में डालकर रेड का फूड कलर एक ग्रेवी में मिला दीजिएगा, वरना ऐसे नेचुरल ही पका लेंगे। देखिए ग्रेवी अभी नज़दीक हो गया। अब हम स्टोव बंद कर लेंगे और 1 मीडियम साइज़ नींबू को हम निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। कोरिएंडर लीव्स डालकर इसको
हॉट हॉट सर्व कीजिए, चावल के साथ, रोटी, नान, कुछ भी चलेगा। ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।